नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर जीके गुप्ता व भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिजनों को सीएम योगी ने दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, दुख व संकट में साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, महोत्सव में लोकल कलाकारों को मिला है मौका, लगे हैं विभिन्न तरह के स्टॉल। जनपद के नागरिकों से महोत्सव में आने की अपील। गोरखपुर महोत्सव 2023 में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का तेजी से हुआ है विकास। प्रदेश में विदेश से भी हो रहा है निवेश। गोरखपुर से अन्य प्रदेशों के लिए हो रही है सीधी उड़ान। बदली है उत्तर प्रदेश की छवि। फर्जी एसडीएम बनकर जनता से ठगी करने वाले अपने दो साथियों के साथ 3 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। कूटरजी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों श्याम देई, राम सजीवन और अमित कुमार गुप्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कूटरजी दस्तावेज किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए था प्रत्याशी। भाजपा के द्वारा वर्तमान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने प्रत्याशिता को ले रहा हूं वापस। वर्तमान प्रत्याशी का करूंगा जोरदार समर्थन। अक्टूबर को ग्राम जांगीपाल में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के इनामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर उनके घर पर पहुंचकर की मुलाकात। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ एमएलसी बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता को लिया है वापस। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिला है अवसर। भारत शिक्षा में ही नहीं विज्ञान में भी बढ़ रहा है आगे। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस एवं 10वें संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को किया जाएगा भव्य रैली का आयोजन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों का बढ़ता है ज्ञान, उनको आगे अच्छा करने की मिलती है प्रेरणा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 6वें दिन 10 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 12 सच में किया नामांकन। अभी तक 21 प्रत्याशियों ने 27 सच में किया है नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्ची की जांच, 16 जनवरी को होगा नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को मतगणना। अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगद धनराशि से किया जाएगा सम्मानित। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और
और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन मातृ परिषद ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्मयोगी सम्मान से किया सम्मानित। कहा, युवाओं को नशे जैसी बुरी व्यसनों से बाहर निकल कर समाज में आगे आने की है आवश्यकता। अब खबरें विस्तार से। संकट की किसी भी परिस्थिति में भावनात्मक संबल के साथ भरपूर मदद करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशिष्ट कार्यशैली है। अपने कार्यों से समाज में योगदान देने वालों के प्रति तो उनका भाव और ही खास होता है, परिवार के मुखिया और अभिभावक जैसा। अंतर्निहित इसी आत्मीय भाव के साथ मुख्यमंत्री ने दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर टीके गुप्ता व सुपरिचित भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय जीके गुप्ता व स्वर्गीय संतराज गोरखपुरी के परिजनों से गोरखनाथ मंदिर के अपने सभा कक्ष में मुलाकात की। उन्होंने गहरी शोक संवेदना जताने के साथ परिजनों को ढाढ़स भी बधाया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की धनराशि का चेक प्रदान किया। साथ ही दोनों के परिवारों को आश्वस्त किया कि दुख और संकट की घड़ी में वह और उनकी सरकार हर वक्त साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने दोनों परिवारों के लोगों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर वह उनसे संपर्क कर सकते हैं, आवश्यकता की पूर्ति में वह सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। मुख्यमंत्री से मिले इस संबल पर स्वर्गीय जी के गुप्ता की पत्नी श्रीमती कुसुम गुप्ता व संतराज गोरखपुरी की पत्नी श्रीमती बिंदु देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि महाराज जी उनके लिए अभिभावक की तरह हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दशक तक पत्रकारिता जगत में सक्रिय रहते हुए जी के गुप्ता दिनेश कुमार गुप्ता जी ने एक छायाकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन समाज खासकर पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी संगीत साधना से संतराज गोरखपुरी ने भोजपुरी गायकी को विशिष्ट पहचान दी। उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने दोनों दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए गुरु गोरक्षनाथ से प्रार्थना की। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह मंदिर की गौशाला पहुंचे। गोवंश की सेवा करते हुए कुछ वक्त उनके बीच बिताया। उन्होंने अपने हाथों से गोमाता व गोवंश को गुड़ चना खिलाया। साथ ही गौशाला के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि ठंड के इस मौसम में सभी गोवंश का विशेष ख्याल रखा जाए। गोरखपुर महोत्सव 2023 का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चंपादेवी पार्क में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोरखपुर की धरती गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है या शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की धरती है, जहाँ की मिट्टी में भी एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। यह ऋषि मुनियों की धरती है, जिसके विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। इस महोत्सव के माध्यम से आपसी भाईचारा सांस्कृतिक धरोहर को एक नया मंच मिला है। गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। पहले का गोरखपुर घना सकरा व एक लेन की सड़कें थीं, जो कि अब चौड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने एजुकेशन सिस्टम को हायर किया है। फर्टिलाइजर कारखाना जो कि बंद पड़ा था, जिसको मुख्यमंत्री ने चालू करवाया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने गोरखपुर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह गोरखपुर महोत्सव में जरूर आएं और तमाम लगे स्टॉलों को देखें और उसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अपना स्थान ले और इस कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान
सुचारू रूप से संपन्न करने में अपना सहयोग दें। माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत अभिनंदन बैच लगाकर आपका, आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें। आप इस समिति के सदस्य हैं और इस पूरे कार्यक्रम में आपकी सहभागिता हमारे माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर होता है। इसमें माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री राम चौहान जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। 2023 पिछले ही वर्षों की भांति इस बार फिर से तैयार है आप सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी इस विशेष मौके के लिए विधि मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जी के शुभ कर्तव्यों से। जो हमें मार्ग दिखाता है, हमारी मार्ग को प्रकाशित करता है, प्रशस्त करता है, और जब ये दीपक गोरखपुर महोत्सव के भव्य मंच पर जलता है तो निश्चित ही ये प्रकाश जो उजियारा, जिनमें से लगभग 180 कलाकार जो है वो स्थानीय कलाकार सर यहाँ पे प्रस्तुत रहेंगे, तो ये इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि लगभग 90% जो कलाकार है वो हमारे स्थानीय कलाकार रहेंगे। कुल 5% कलाकार ऐसे होंगे जो गोरखपुर से बाहर के होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के होंगे। तो इस प्रकार 95% जो प्रतिभाग जो हमारे कलाकार करेंगे वो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश से करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य कलाकार जो उत्तर प्रदेश के बाहर से भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, उनमें मुख्य रूप से आज शाम को पद्म श्री श्री कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति शाम को देंगे। उसके बाद कल 12 तारीख को जो है भोजपुरी नाइट को यहाँ पे थीम रखा गया है, जिसमें माननीय अवस्थी मैडम और इसके साथ में कवि सम्मेलन का आयोजन कल 12 तारीख को किया जाएगा और 13 तारीख को सोनू निगम अपने गीतों से गोरखपुर वासियों का मनोरंजन करेंगे। इस प्रकार ये जो कार्यक्रम है 11, 12, 13 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा 17 तारीख तक ये मेला कंटिन्यू रहेगा, जिसमें सिल्क मेला यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस प्रकार इसकी रूपरेखा रखी गई है। इसका पूरा जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि गोरखपुर वासी जो है पूरा का पूरा अपना परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे जितनी तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे बुक फेयर है, विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, मनोरंजन के और भी साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, उन सब को आप यहाँ पे आके अपने परिवार के साथ में उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अतिथि जी को आप सभी की जोरदार तालियां इस खास मौके के लिए अपेक्षित है। कृपया जोरदार तालियां बजाकर इस पल की शोभा को द्विगुणित करें। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत ही महोत्सव के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए 80-90% लोकल कलाकारों को मौका मिल रहा है। बहुत खुशी है, मिलेट ईयर चल रहा है, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिसको उसको उसका आगाज भी है। तो आप अनगिनत स्टॉल में आप देखेंगे तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी चाहते थे कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए, तो लोक संगीत भोजपुरी से लेके हमारे पूजा भजन वो सारे आपको इस मंच पर मिलेंगे। कैलाश खेर बॉलीवुड से आएंगे, वो आज इसका आगाज करेंगे। सोनू निगम पहली बार गोरखपुर की धरती पर परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं स्वयं करूंगा, माननीय अवस्थी जी भोजपुरी के लिए आएंगी, अनगिनत भोजपुरी के कलाकार जो लोकल हैं वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव मैं देख रहा हूँ इस बार हो रहा है। अनगिनत स्टॉल हैं, हमारे बच्चे प्रदर्शनी कर रहे हैं, लोकल फूड और लोकल खाने से लेके उनकी विज्ञान प्रदर्शनी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। आपको हर तरीके से प्रदर्शनी देखने मिलेगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव का, जैसे आप देख रहे हैं, भव्य मंच आपके पीछे खड़ा है, इसका आगाज हो रहा है। आइए, ठंडी में एकदम गर्मी का पूरा व्यवस्था कैल बा, हीटर है, आप लोग आइए, परिवार के साथ आइए, आप लोग को बड़ा आनंद आएगा। आज शाम से इसकी सारी शुरुआत हो जाएगी। 2 साल कोविड की वजह से बंद था, इतना भव्य होगा। महाराज जी चाहते थे इसीलिए भव्य करना, क्योंकि 2 साल लोगों ने, ये साल बड़ा अच्छा बीते सबका, तो महाराज जी ने इसको ऐतिहासिक करने के लिए ये पूरा प्रयास उनका है। देखिए, पहले तो गोरखपुर वासियों को और आसपास के सभी
पूर्वांचल के लोगों को मेरी ओर से इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये धरती जो बाबा गोरखनाथ की धरती है, ये तपोस्थली पर ऋषियों मुनियों के भूमि पर, मैं आदरणीय योगी जी अपने माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इसके विकास के लिए और अपनी विरासत को पुनरुत्थान करने के लिए जो लगातार सतत रूप से प्रयासरत हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो हमारा एक सामाजिक समरसता, भाईचारा, सांस्कृतिक धरोहर को पुनरुत्थान करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए इस महोत्सव को मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि इस महोत्सव के द्वारा, मेलों के द्वारा जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, आदर्श हैं, मूल हैं, सामाजिक ताना माना है, इसको मजबूत करने के अवसर मिलते हैं। और इस पवित्र धरती पर जो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, पूर्वांचल का विकास द्वार बन गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। कितना बदलाव देखने को मिला है सरकार बनने के बाद गोरखपुर में? देखिए, आज गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई है, कायाकल्प हुआ है। पहले का गोरखपुर जो घना सकरा बसा हुआ नगर था, आज चौड़ीकरण होकर के, विकृत होकर के, तमाम विकास की संभावनाओं के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ, चाहे पुरानी हमारी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम था और उसको हायर करने का प्रयास कराया जा रहा है, तमाम विकास की हो, यहाँ का फर्टिलाइजर प्लांट था, बंद पड़ा था, चालू करने का काम कराया जा रहा है, हर क्षेत्र में विकास की ओर उभरते हुए, विकास की ओर अपनी किरणें बिखेरते हुए गोरखपुर में आज तमाम बदलाव की किरणें नजर आ रही हैं। अपील करना चाहेंगे नागरिकों से महोत्सव पर? इस महोत्सव के मार्फत से मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि लोग अपनी पुरानी परंपराओं, विरासत को कायम रखते हुए सामाजिक समरसता कायम रखें, प्रदेश के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी और देश के विकास के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सामूहिक प्रयास से जो काम चल रहे हैं उसमें सब लोग उसका लाभ भी उठाएं, अपना सरोकार रखें। और हम लोग चाहते हैं कि 2023 नया साल है, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपलब्धियों का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने में सफलता अर्जित करें। गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर की ऐतिहासिक भूमि पर हो रहा है, जो कि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है। यहां की मिट्टी में भी एक अलग लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, जहां जहां तप होता है और जहां यज्ञ होता है, उस जगह में जागृति आ जाती है। यह गुरु गोरखनाथ की धरती है, जिसको उन्होंने अपने तप व बल से जागृत किया है। उन्होंने कहा, मौसम थोड़ा ठंड भरा है, लेकिन जब आपके अंदर का संगीत झूमेगा तब वह ठंड गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बहुत तेजी से विकास हुआ है। कुछ वर्ष पहले मुंबई से गोरखपुर की उड़ान कल्पना थी, लेकिन अब स्वप्न साकार हो रहा है। उन्होंने कहा, जब से योगी सरकार बनी है तब से पूरा माहौल बदल गया है। अब प्रदेश की राजनीति में योगी व तपस्वियों को भेजा जा रहा है, जिनका लक्ष्य केवल प्रदेश का उद्धार करना है। केंद्र व प्रदेश दोनों में संतों का राज है और विदेशों से निवेश हो रहा है। यूपी की छवि बदली है और नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, अब बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने का प्लान बन रहा है। जल्द ही यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली है, जिससे हजारों कलाकारों को रोजगार मिलेगा। वहां पर योगियों के लिए भी तपस्थली बनाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा, गोरखपुर महोत्सव में यहाँ पे आगे कैसा लगा और यहाँ पे क्या बदलाव दिखेंगे? जी, एक तो हम लोगों का आप सबको बारंबार प्रणाम है। गोरखपुर की धरती, गोरक्षनाथ की तपोस्थली, मेरे बाबा की एक ऐसी थली, मेरे परमात्मा की जैसे वरद, एक ऐसा खंड है जहाँ की मिट्टी में ही जैसे विभूति का प्रभाव है, एक कोई भभूति होती है परमात्मा की, वो क्यों, जहाँ जहाँ तप होता है, जहाँ जहाँ बहुत यज्ञ होता है, उस जगह में जागृति आ जाती है। ये वैसी धरती है, ये भोलों की धरती है, ये मेरे भोले की धरती है। मेरे भोलेनाथ ने इस धरती को ऐसा पांगा हुआ है, जैसे जलेबी को पांग दिया जाता है, उसके अंदर तक रस चला जाता है। ये तप से और अपने बल से आध्यात्मिक इस जगह को जागृत किया हुआ है। ऐसी धरती पर आज कैलाश खेर और कैलाशा
आए हैं अपना संगीत मंचन देने। कैलाशा की लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाली है शाम को, और शिव की अलख जगेगी सारी रात। ये समझ लीजिए, बाहर से तो बाबा थोड़ा बादल वादल घुमा रहे हैं, ऐसे बच्चों को लग रहा है जैसे ठंड चल रही है, इसे ठंड कहते ही नहीं। जब आपके अंदर का संगीत झूमेगा तो ऐसा ठंड बाबा दूर भगाएंगे आप लोगों की, सबकी, हम लोगों की, कि आपको लगेगा कि अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। आप तो यहाँ गोरखपुर कई बार आ चुके हैं, प्रदेश में योगी सरकार बनने और कितना बदलाव देखने को मिला यहाँ? जी, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज ही हमने एक पोस्ट किया, बहुत ही प्यारा, उसमें ये लिखा हमने कि कुछ वर्ष पहले तक मुंबई से गोरखपुर की उड़ान कल्पना भर एक हुआ करती थी। एक ऐसा लगता था कि ये कल्पना है, ये स्वप्न है, लेकिन अब स्वप्न साकार हो रहे हैं, सब कुछ मूर्त हो रहा है। हम आए हैं मुंबई से 2 घंटे में, यहीं सीधा गोरक्षनाथ की तपोस्थली पर। मेरे बाबा ने अपनी हथेली कर दी कि बच्चे यहीं उतार ले अपना पुष्पक विमान, आ जा। ऐसे हमें रिसीव किया गया इस धरती पर। और खुशी की बात ये भी है कि जब से हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये देवलोक में जैसे चुनाव हुआ हो कि अब आप जाओ, अब संतों को भेजा जा रहा है, तपस्वियों को भेजा जा रहा है भूखंड पर भी, कि ये सत्ता भी अब तुम्हें संभालो। क्यों? क्योंकि दुनिया को, चराचर को देख लिया कैसे करना है, अब तपस्वियों को भेजना पड़ेगा। तो एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा योगी, एक ऐसा समझ लीजिए फक्कड़, जिसको सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का उद्धारा करना है, अब वो सौंपी गई है केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और न जाने कितनी और भी खंडों में, हमारे राज्यों में। और जब से हमारे महाराज जी आए हैं, अलग अलग सड़कें बन रही हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यूपी में, यूपी की छवि भी बहुत प्यारी हो रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में नए नए हवाई जहाज के पत्तन बन रहे हैं, यानी एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश को जहाँ जहाँ फालतू बातों के लिए ज़्यादा चर्चित होते थे, अब वहाँ जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारा प्रगति पथ पर अग्रगण्य है, इसके लिए हम गदगद हैं, हम उमंगित हैं, हम तरंगित हैं। हाँ, ऐसा हमारा एक एक्चुअली भाई है हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में, वो साहब के ऊपर ये बना रहे हैं वेब सीरीज़, उनका मन है। अच्छा, महाराज जी को पता है ये बात, हम बता चुके हैं उनको, बहुत हंसे थे महाराज जी कि महाराज जी वो हमें आप वाला रोल देना चाहता है, कि योगी आदित्यनाथ का रोल आप करिए, क्योंकि आपके बाल हम मुंडा देंगे, तो आप उन एकदम भाई लगते हैं उनके। तो साहब भी हंसे थे महाराज जी भी कि हाँ यार, ये तो बात सही पकड़ी किसी ने। अभी मुंबई महाराज जी गए थे, आपने भी मुलाकात की कई फिल्म के बड़े बड़े अभिनेताओं ने, क्या बात हुई और आगे यहाँ पे यूपी में फिल्म को लेकर क्या रणनीति? ऐसी एक जगह हमने प्रपोज की है, महाराज जी को बहुत पसंद आया ये आइडिया कि हाँ, एक आध्यात्मिक केंद्र तो बनना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक केंद्रों की बड़ी आवश्यकता है। ले दे के 2-4 हैं, अब जिंदल है, आनंदा है, वहाँ जाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसे लेके लोग, लेकिन जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और वो भी फिल्म सिटी के अंदर है, बन जाए, तो हम लोगों ने वो उसका पूरा एक नाम खाया, खाका माता ने चाहा तो सरकार चाहेगी उत्तर प्रदेश की तो हम बनाएंगे, संतों का आवाजाही होगी, संतों का समागम हुआ करेगा, और उनके बहुत प्यारे प्यारे प्रवचन हुआ करेंगे, लेकिन ज्ञान देव प्रवचन नहीं, उनके वैसे प्रवचन जो हम सबके अंदर ऊर्जा और चैतन्य को जगाएं, बस बोरिंग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ का तरीका जो है वो बोरिंग था, इसलिए यूथ जुड़ नहीं पाया। अब हमारे संगीत ने ये तय कर दिया कि यूथ जुड़ता है, यानी केले में दवाई यहाँ काम करती है। राजघाट थाने की पुलिस ने एसडीएम बनकर जनता से ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद जशमीन निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर, दूसरा मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद जशमीन निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर, तीसरा मोहम्मद आफताब पुत्र मोहम्मद जशमीन निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रूप में हुई है।
एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा दुकानदारों से अपने आप को एसडीएम बताकर जनता से रौब गाचकर ठगी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल अंकित बिंद, पवन यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि एक दुकान पर तीन लोग अपने आप को स्वयं को एसडीएम बताकर एक लकड़ी बेचने वाली फर्नीचर की दुकान पर फ्री में सामान खरीदने के लिए अपनी धौंस दिखा रहे थे। वहां पर चौकी प्रभारी तुरंत पहुंचे तो उनको ये जानकारी हुई कि तीन लोग मोहम्मद अशफाक, इकबाल और आफ्ताब, तीनों लोग तिवारीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले दुकानदार से 6,000 रुपए में किसी चीज खरीदने को 3,000 रुपए में वादा करवाया। उसके बाद बोला, नहीं आप किस तरीके से हमसे 3,000 रुपए लेंगे, आपकी दुकान का लाइसेंस कहाँ है। फिर जब उन्होंने किसी मालका प्रभारी या बीपीओ को बुलाया तो बीपीओ को से उसका पीएनओ नंबर वगैरह पूछा और अपने दोस्त दिखाने का काम किया। उसके बाद में चौकी प्रभारी जब सत्यता मालूम की गई तो पता चला कि वो एक फर्जी व्यक्ति अपने आप को एसडीएम दिखाकर फ्री में वहां से फर्नीचर पाने की जुगत में था। उसको 419-20 एवं 170 आईपीसी में उनको गिरफ्तार किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गुलेरिया थाने की पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान श्यामदेई पत्नी रामलौट निषाद निवासी ग्राम महला पोस्ट मैना भागर थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर, फर्जी नाम अनामिका पत्नी विजय सिंह निवासी खेसुआ जनपद बस्ती, दूसरा राम सजीवन पुत्र स्वर्गीय धनराज निवासी ग्राम नौसर थाना गीडा जनपद गोरखपुर, तीसरा अमित कुमार गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता पोस्ट भगवानपुर थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, मूल पता कटरा सुधियालगंज फतेहपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा के रूप में हुई है, जिनके पास से कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड व मूल आधार कार्ड व बैंक पासबुक को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि संतोष नारायण बर्नवाल जनपद गोरखपुर द्वारा अपनी जमीन बेची गई थी, जिस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ जाने के कारण उक्त पैसा हड़पने के लिए एक महिला श्रीमती श्यामदेई को फर्जी अनामिका पत्नी विजय सिंह निवासी खेसुआ बस्ती के नाम से एक आधार कार्ड व तहसीलदार सदर का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन को खाते हुए इंडियन बैंक जनपद बस्ती में फर्जी खाता खुलवाकर 54,65,000 रुपए हड़प लिया गया है, जिसके संबंध में 6 अभियुक्तों के ऊपर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, उप निरीक्षक सुदेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल शिव ओम शुक्ला, महिला कांस्टेबल रंजना कुमारी कोमल सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 11/1/2023 को थाना गुलेरिया को मुकदमा अपराध संख्या 771/22 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 में कूट रचना करके फर्जी जमीन दिखाकर पैसा हड़पने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम श्रीमती श्यामदेई, राम सजीवन व अमित कुमार हैं। इसमें श्रीमती श्यामदेई, जिसने कि अपना आधार कार्ड किसी दूसरे महिला के नाम से बना करके और उस महिला की जमीन दिखाकर और
उसी फर्जी आधार कार्ड से अपना खाता खुलवाकर उसमें लगभग 54 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करा लिए। उक्त जब जानकारी उस महिला को हुई, जो कि उस भूमि की वास्तविक महिला थी, तो उसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई और इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। श्यामदेही इसमें मुख्य अभियुक्त है, साथ में अमित और राम सजीवन उसके साथ इस घटना में शामिल रहे, जिन्हों की कूट रचना करवाई और जमीन ले जा करके फर्जी जमीन दिखवाई, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन का कल अंतिम दिन है, जिसका 30 जनवरी को मतदान होगा। उन्होंने कहा, भाजपा का एक सिपाही हूं और मेरी आशा थी कि इस बार मुझे MLC प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने वर्तमान MLC देवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना प्रत्याशिता वापस लेता हूं और भाजपा के क्षेत्रीय व जनपद के पदाधिकारी के द्वारा जो भी कार्य हमको दिया जाएगा उसका पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। यदि पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भी कहा गया तो मैं अपने शिक्षक व स्नातक बंधुओं से उनके लिए वोट मांगूंगा और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को वोट देने के लिए कहूंगा और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा। उन्होंने कहा कि टिकट देना पार्टी का कार्य है, मैं उनके निर्णय पर कोई संदेह नहीं करता हूं। मैं 2016 में चुनाव लड़ा था, दोनों बार ही दूसरे स्थान पर आया था और 3800 वोट से ही हारा था। हो सकता है वर्तमान MLC बहुत अच्छे होंगे, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया होगा, क्योंकि टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने कहा, पार्टी पदाधिकारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मंगलवार की रात में भाजपा के संगठन महामंत्री का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, भविष्य में आपका समायोजन किसी अच्छे पद पर किया जाएगा, जिनका निर्देश मानते हुए अपने प्रत्याशिता को वापस लेता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, आप सब अवगत हैं कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव प्रस्तावित है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है और 30 तारीख को मतदान होना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं इस प्रत्याशा में था कि पार्टी का मैं प्रत्याशी बना जाऊँगा, परंतु पार्टी ने वर्तमान MLC श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पक्ष में पुनः अपना समर्थन जारी किया है, उन्हें पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पार्टी के एक समर्पित सिपाही के तौर पर पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपनी प्रत्याशिता वापस ले रहा हूं और अपने स्तर से साथ ही जो क्षेत्रीय टीम से जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे जनपदीय पदाधिकारी हैं और जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका जो भी निर्देश हमको प्राप्त होगा इस चुनाव की तैयारी के निमित्त, इस चुनाव के में सहयोग के निमित्त, मैं उस प्रत्येक सहयोग के साथ अपने पार्टी के प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहूँगा। अब देखिए, ये तो जो पार्टी के बड़े नेता हैं ये उनके मूल्यांकन का विषय है, मैं इसका मूल्यांकन क्या करूँगा। मेरा आधार ये था कि मैं चूंकि दो बार लड़ा था, 2010 और 2017 में, और दोनों ही बार मैं सेकंड पोलर था, दोनों ही बार मैं बहुत थोड़े वोटों से हारा था। पिछली बार तो मैं बिल्कुल निर्दल प्रत्याशी था, केवल 3800 मत से हमारी पराजय हुई थी। तो एक मेरा आधार बनता था, उस आधार पर हम पार्टी से अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे थे, लेकिन पार्टी की दृष्टि में वर्तमान MLC बेहतर होंगे, इस नाते उनको समर्थन प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है, किसी एक को ही मिलना था। पार्टी की दृष्टि में जो पार्टी के हमारे नेता हैं उनकी निगाह में उनकी प्रत्याशिता ज़्यादा गंभीर समझी गई होगी, इस नाते उनको दिया गया। अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस चुनाव में पहले उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे स्तर पर जो कुछ भी होगा हम वो अपनी तरफ से करने का काम करेंगे। कल रात में महामंत्री संगठन जी का फोन हमारे पास आया था और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे त्रिपाठी जी, और आपका समायोजन भविष्य में बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्देश मानते हुए अपनी प्रत्याशिता को वापस ले रहे हैं। एक और बड़ी बात जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ा किसी भी
पार्टी के राजनेता का यह धर्म बनता है कि वो इस बात की चिंता करे कि जो एक अभियान लेकर के, जो एक मिशन लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, तो उनके प्रत्येक उस प्रयास में उनके हरेक निर्णय के साथ खड़ा होना पार्टी के हर एक समर्पित कार्यकर्ता का यह नैतिक दायित्व बनता है और मैं अपने उन्हीं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में अपना समर्थन भी दे रहा हूं और अपनी प्रत्याशा वापस जैसा कि मंत्री जी का आपने कहा आपके पास फोन आया था, स्वस्थ किया है, तो क्या जिम्मेदारी कुछ ऐसा निर्धारित करने के लिए अभी उन्होंने कुछ कहा कि कुछ जिम्मेदारी नहीं, अभी ऐसा कोई देखिए कोई शर्त जैसा कुछ नहीं है। वो हमारे अभिभावक हैं, मैं पहले भी उनसे मिला था, मैंने पहले भी उनसे कहा था कि जो भी आपका निर्णय होगा सिरोधार्य होगा मुझे, और कल भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अब मैं जाऊँगा, चुनाव के बाद जाऊँगा, मैं मिलूंगा उनसे, अब हमारी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी उचित उनको प्रतीत होगा, वो जो मुझे देंगे वो स्वीकार होगा मुझे। क्या समर्थन चुनाव प्रचार में उनका सहयोग करेंगे आप? देखिए अगर प्रत्याशी महोदय और संगठन हमसे अपेक्षा करेगा, हमें कोई निर्देश देगा, तो मैं जाऊंगा, अन्यथा जो मेरा काम है, जो मतदाता हमने बनाए हैं, हम अपने उन सारे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। खोराबर थाने की पुलिस ने ग्राम जांगीपाल में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के नामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमरनाथ निषाद पुत्र रूपनाथ निषाद, थाना श्याम देवरवा जनपद महाराजगंज, हाल पता नकवा भटहर थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एसएसपी द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी सिटी ने बताया कि ग्राम जांगीपार ढाला पर 26 अक्टूबर को विक्की ठठेरा पुत्र राजकिशोर ठठेरा निवासी ग्राम जांगीपार थाना खोराबर जनपद गोरखपुर की चाकू से मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाना खोराबार पर मृतक के पिता के लिखित तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राम इकबाल राव, अरुण खरवार, इंद्रेश कुमार वर्मा, दुर्गेश मिश्रा, सुधीर सिंह, कांस्टेबल मुकेश कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार को एक 15,000 रुपए के इनामिया अपराधी को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। यह अपराधी 26/10/2022 को इन्होंने डांगीपार में एक विक्की टटेरा नामक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ये लगातार फरार था। इस पर 15,000 रुपए का इनाम था। अमरनाथ निषाद ये जंगल नकवा का रहने वाला है और इसके साथ में इसी जो अभियोग के सारे अपराधी है वो अकाउंट फोर हो गए हैं। इसमें कुल 7 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन सभी पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा के गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर बेतिहाता स्थित उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की, जिसके संबंध में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर संजय त्रिपाठी का आभारी हूँ। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने मेरा समर्थन करके अपनी उदारता और बड़प्पन का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोग मन बड़ा रखते हैं वही लोग भविष्य में व्यक्तित्व में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले हम दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा लेकिन आपस में किसी प्रकार की कठोरता नहीं आई। आगे उन्होंने स्नातक मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जीत का एक नया कीर्तिमान स्थापित करें और कोई बदल ना सके ऐसा रिकॉर्ड बनाएं। वहीं डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग पार्टी के छोटे सिपाही हैं और पार्टी ने देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना समर्थन दिया है और प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी का निर्णय है और उस
निर्णय का सम्मान हमारा धर्म बनता है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का नुकसान न हो, एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी जीत के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ MLC बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता वापस लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी एवं भाजपा के MLC और भाजपा के MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अच्छा और सही बात आपको मैं स्वीकार किया हूँ उसमें कि जैसे कोई भंडारी हो उसको स्कूटर मकैनिक का काम दे दिए, सही जगह ऊर्जा लगाएंगे। जो हमारा मूल काम है हम उस मूल जगह पर, हमारे लिए राजनीति का आकर्षण सिर्फ इतना था कि ठीक है जैसे किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति थोड़ी सी सफलता पाता है ना, हम नहीं होंगे आप MLC क्या दिक्कत है भाई, कौन सा कोई दिक्कत, कहीं जाने तो किसी का आपसे निवेदन कर लेंगे, हमारे इतने विधायक मित्र सांसद मित्र है, सबसे किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हारे जीते चाहे जो, ये दृष्टांत बताऊं, डॉक्टर CP त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे उनके ससुर से मेरा व्यक्तिगत कई पीढ़ियों का रिश्ता था, चतुर्वेदी जी प्रिंसिपल हैं हमारे, और हम ही और चंद्रकांत त्रिपाठी बैठी बार पूजा पर, तो जितने उस वहाँ के बाहुबली थे कहते इन्हीं के खिलाफ ये चुनाव लड़े हैं, इन्हें बजे जाना था तारू मुझे हमारा क्या, और फिर सुल्तानपुर के लोग गए 150 गाड़ी ले गए, उसका भी सम्मान बढ़ा, हम पहुंचे दूसरे दिन 1 बजे द्वार पूजा शुरू हुआ, थोड़ा विलम्ब, लेकिन एक आश्वासन दीजिए अपने चलाटिया में कभी बैठे बातचीत होगी विचार विमर्श होगा तब सीखेंगे, तरी ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राजनीति सीखना चाहिए, कोई हर्जा थोड़ा है कि इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि जो आपका तेवर है जो आपकी शैली है वो बहुत दुर्लभ है, ये हम प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं किसी में आपकी या आपके अब चूंकि आप संजोगात मिल गए इसलिए आपके सामने हम कह रहे हैं, तो हम पीछे भी बतिया कहते हैं, हाँ भाई ये तो भाई बर्थ है, ये तो आदमी भगवान से भी हम ये बात कहते हैं, अच्छा हमारे लिए जो रानी थी हमारी दूसरी थी, हाँ हम आदमी उसमें बदल नहीं सकता, हेलो चाहते हैं हम भी बात कर रहा हूँ थोड़ा ऊंचा, जी जा मणि जी का फोन है, राजू देखिए हम लोग तो पार्टी के बड़े छोटे से सिपाही हैं और पार्टी ने आदरणीय बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, निर्णय सुनाया है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये माननीय मोदी जी माननीय योगी जी का यह निर्णय है और उस निर्णय का सम्मान करना एक कार्यकर्ता के रूप में हमारा धर्म बनता था, वैसे भी आदरणीय MLC साहब हमारे बड़े भाई हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि अनावश्यक रूप से एक दूसरे के साथ लड़ करके एक दूसरे का अहित करें, एक दूसरे का नुकसान करें, इस नाते एक बृहत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके और आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी पुनः MLC बने और ऐतिहासिक मतों के साथ MLC बनकर चलें, ये इस हेतु इस निमित्त हमने निर्णय लिया है और इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता मैंने वापस ली है। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे जितने अपने मतदाता हैं जो हमने व्यक्तिगत अपने प्रयास से बनाए हैं, उन सारे मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपना समर्थन दें और ऐतिहासिक मतों से विजय बनाएं। मैं इनका बहुत विनम्र भाव से आभारी हूं, डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने मेरा समर्थन करके अपनी उदारता का परिचय दिया है, अपनी बड़प्पन का परिचय दिया है, राजनीति में जो लोग मन बड़ा रखते हैं वे ही भविष्य में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद और स्नेह डॉक्टर संजय त्रिपाठी के साथ है, हमारे अनुज हैं, हम लोग आपस में चुनाव भी लड़े लेकिन हम लोगों में कभी कटुता नहीं आई, आत्मीयता का वह भाव और प्रगाढ़ कर दिया इन्होंने, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपने स्नातक मतदाता बंधुओं से अपील करता हूं कि वे जीत का एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, रिकॉर्ड ऐसा बनाएं कि भूतों में भविष्यति
इस रिकॉर्ड से कभी विधान परिषद को कोई बदल ना सके। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर जीके गुप्ता व भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिजनों को सीएम योगी ने दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, दुख व संकट में साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। गोरखपुर महोत्सव का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, महोत्सव में लोकल कलाकारों को मिला है मौका। लगे हैं विभिन्न तरह के स्टॉल। जनपद के नागरिकों से महोत्सव में आने की अपील। गोरखपुर महोत्सव 2023 में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का तेजी से हुआ है विकास। प्रदेश में विदेश से भी हो रहा है निवेश। गोरखपुर से अन्य प्रदेशों के लिए हो रही है सीधी उड़ान। बदली है उत्तर प्रदेश की छवि। फर्जी एसडीएम बनकर जनता से ठगी करने वाले अपने दो साथियों के साथ 3 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों श्याम देई, राम सजीवन और अमित कुमार गुप्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कूटरचित दस्तावेज किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए था प्रत्याशी। भाजपा के द्वारा वर्तमान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने प्रत्याशिता को ले रहा हूं वापस। वर्तमान प्रत्याशी का करूंगा जोरदार समर्थन। छब्बीस अक्टूबर को ग्राम जांगीपाल में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के इनामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर उनके घर पर पहुंचकर की मुलाकात। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ एमएलसी बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता को लिया है वापस। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिला है अवसर। भारत शिक्षा में ही नहीं विज्ञान में भी बढ़ रहा है आगे। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस एवं 10वें संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को किया जाएगा भव्य रैली का आयोजन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों का बढ़ता है ज्ञान, उनको आगे अच्छा करने की मिलती है प्रेरणा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 6वें दिन 10 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 12 सेट में किया नामांकन। अभी तक 21 प्रत्याशियों ने 27 सेट में किया है नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्ची की जांच, 16 जनवरी को होगा नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को मतगणना। अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगद धनराशि से किया जाएगा सम्मानित। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और
और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन मातृ परिषद ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्मयोगी सम्मान से किया सम्मानित। कहा, युवाओं को नशे जैसी बुरी व्यसनों से बाहर निकल कर समाज में आगे आने की है आवश्यकता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक नया अवसर मिला है। प्रदेश सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि युवाओं को एक नया मंच मिले। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यह इस महोत्सव के कारण संभव हो पाता है। हमारे कलाकारों के माध्यम से तमाम प्रस्तुतियां होंगी, जिसको देखकर यह अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो उसके संस्कृति को नष्ट कर दे, इससे पूरा देश नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी देश की संस्कृति संरक्षित व सुरक्षित रहेगी, तब तक उस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा नए नए आविष्कार करके यंत्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शित करता है कि भारत वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर भी आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदस्य सांसद रवि किशन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कला संभव नहीं है जब तक हमारे भारत देश का प्रत्येक नागरिक मासिक धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। जोरदार तालियों के साथ हाँ बिल्कुल, गोरखपुर महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्र वहाँ जगह ना है भाई, देख लियो भी क्या हवाई एयरपोर्ट एयरपोर्ट कौन लोट पोर्ट है क्या मतलब। अच्छा यही ना करेंगे आप नहीं जाएंगे क्या करना है। इस बात को राजनीतिक मंत्री जी एक बार आप देख लेना, अभी बिजबल्टी नहीं हमारी खोरा बहुत हो रहा है, उसके लिए खुला मौसम चाहिए, इसलिए अधिकतम हुआ हिल स्टेशन वगैरह पे पांडे जाते हैं। कि आज गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये इन महोत्सव के द्वारा संभव होता है। ये महोत्सव हमारे भारतीय संस्कृति की कलाओं के प्रतिबिंबित करने के लिए एक सबसे बड़ा मंच है, जो हमारे कलाकारों के माध्यम से तमाम प्रस्तुतियाँ होंगी वो हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँचे। हम अपनी भारतीय कलाओं को, सभ्यताओं को, रहन सहन को, वातावरण को अगली पीढ़ी हमारी जाने, और ये किसी भी प्रदेश, देश या समाज को जब नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी देश की संस्कृति सुरक्षित संरक्षित है, तब तक उस देश को कभी कोई बर्बाद करने की हैसियत नहीं रखता है।
निश्चित रूप से इससे जो महोत्सव है इसमें तमाम हम देख लेंगे कलाकारों के माध्यम से लगातार प्रस्तुतियां होंगी। उन प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारी कला संस्कृति का रूबरू होने का लोग मौका उठाएंगे, लाभ उठाएंगे और यह तमाम हमारी अगली पीढ़ी जो आएगी या सुनने देखने वो करेंगी। अभी हम विज्ञान प्रदर्शनी में खड़े हैं, नए बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शित करता है कि भारत न सिर्फ सांस्कृतिक माध्यम से बल्कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हमारी प्रतिभाएं किसी विश्व के अंत देश से कमजोर नहीं है। हम बहुत आगे हैं और विश्व पटल पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस एवं 10वें संकल्प दिवस के उपलक्ष में 13 जनवरी को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता करके बताया कि 13 जनवरी को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल बनने और सरकार में शामिल होने के बाद निषाद समाज के लोगों के लिए वह बेहतरी के कई कार्य कर पाए हैं। जहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान और सुरक्षा बढ़ाए, वहीं देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा में उनके प्रतिनिधि समाज की पहचान और आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज यूपी विधानसभा में 11 विधायकों के द्वारा पार्टी की नीतियों और कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। आलम यह है कि अगर 11 सदस्य सदन के अंदर एक एक मिनट भी किसी मुद्दे पर आवाज उठाता है तो निषाद पार्टी को 11 मिनट का समय विधानसभा में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना का यह नवा वर्ष है, इस दिन 9 संकल्पों के साथ इस संकल्प दिवस समारोह में निषाद पार्टी शामिल हो रही है, जिसमें उसके देश प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता 24 घंटे में किस दल से किस दल में चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, कब क्या बोल देंगे यह अभी तय नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी ने तो दलितों के उत्थान के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि निषादों का आरक्षण के लिए मांग जारी है, सरकार और संविधान दोनों के तहत आरक्षण की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है, कहीं से भी निषाद समाज का अहित नहीं होगा, निषादों के हित के लिए वह सदैव लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैबिनेट मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा, मैं तो सभी नए वर्ष पर सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को, गोरखपुर जड़ है। मैंने 13 जुलाई 2013 को इस अपने 47 साल के जीवन के कैरियर से संन्यास लिया था और उसके साथ संकल्प लिया था कि जो निर्बल है उन्हें सबल कैसे बनाया जाए और भारतीय राजनीति के जो शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार कैसे बनाया जाए। उसके लिए मैंने एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया था और निषाद पार्टी का, और इसके बैनर तले मैं सबको इकट्ठा के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और मिलने के बाद उन्हें 13 जनवरी 2023 के लिए मुख्य अतिथि के लिए निमंत्रण दिया था। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और वो 13 तारीख मतलब परसों चंपा देवी पार्क के बगल में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मतलब पार्क है नौका विहार रामगढ़ में, और यहाँ पूरे प्रदेश के को कार्यकर्ता पदाधिकारी आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग जो आज के दिन में सदियों से सताए गए थे अंग्रेजों मुगलों पिछले सरकारों से, उपेक्षित था उनकी मैंने लड़ाई लड़ी, उनके साथ और जातियों की भी लड़ाई शुरू हो गई है, वो सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उसमें मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वो लड़ाई जो कामयाब हुई आगे बढ़ रहे हैं, निषाद पार्टी को 9 साल में मैंने बड़े बड़े काम किया और वो बड़े 9 काम करके मैंने दिखाया किस तरीके से निषाद राज का पार्क है, वहाँ निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, निषाद राज भगवान राम के गले लगी मूर्ति लगाई, और इस भारतीय राजनीति में निषाद पार्टी को मैंने विधानसभा और विधान परिषद में अगली सीट पर पहुँचाया, और विधानसभा परिषद की जो कार्रवाई होती है उसमें 10 मिनट का समय, 11 पहले एक विधायक थे, 11 विधायक है, उसकी वजह से मेरे 11 विधायक की वजह से 11 मिनट का समय
भी हमें बोलने का मेरी पार्टी को मिलता है, इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इनके समस्याओं का समाधान खुद है। यही बताना था आपसे उस दिन 13 तारीख की अपील है कि सभी पत्रकार बंधु, यहीं से मेरी जड़ है, यहीं से शुरुआत हुई है, आपके गोद में आपके प्यार और स्नेह मार्गदर्शन के आगे बढ़ा है, तो पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा है कि 13 तारीख को कड़कती धूप में जो हमारा समुदाय है उसके साथ जो 7 पार्टी के लोग आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष नौजवान लाखों की संख्या में आएंगे, तो उनका जो मैसेज है, उनका जो कवरेज है, उनकी शक्ति का जो प्रदर्शन है, उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 13 तारीख को हम चाहते हैं 11 बजे से शुरू हो, 10 बजे से रात में लोग आ जाएंगे तो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक आप अपने समय अनुसार और इस जगह जगह के लोग अपनी। इस बार खुशहाली उनकी यह है कि पहले क्या था कि हम सड़क पर आंदोलन करते थे, तो पहले गुली ठंडक में चल के हर जिले में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे, मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ, और सारे देश के लोग आते आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोग भी इकट्ठे हैं, और संकल्प दिवस लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए कार्यकर्ता कि हम लोग सत्ता के शिकार थे, हम भागीदार हों, हमारा भी हिस्सा मिला, हम लोगों ने भी सभी पार्टियों की सरकारें बनाई थी, हमारा लेकिन उपेक्षित था, सभी ने हमारा वोट लेके ठगा, लेकिन आज कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा और बड़ा किया है, इसलिए उनको मुख्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा। आज के दिन में यहाँ के, आज हमने यहाँ के बुद्धिजीवी जो है प्रबुद्ध लोग हैं, उनका आज एक बैठक है, उनका एक सम्मान समारोह रखा है, और आरक्षण संबंध विधेयक है, और उस पर आज इनको डिटेल में बताया जाएगा कि आरक्षण की लड़ाई हमने कहाँ तक पहुँचाई है सड़क से सदन तक, कि पहली बार है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आरक्षण के मुद्दे को दिल्ली लिखकर भेजा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, और RGI से मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मांगा। RGI ने इनकी चीज को सामाजिक न्याय मंत्रालय को मूव किया, सामाजिक न्याय मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया, मझवार हमारे पास 1950 से है और इनके सभी कम्युनिटी के मेंबर को इनको अनुसूचित जात मिलना चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और माननीय नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी ने इस पर आश्वस्त किया कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। तो आज के दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीज़ें, तो नौ बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है और इनको सत्ता में पहुँचाने का काम किया और इनको अब सम्मान मिल रहा है। इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान से बुलाते हैं, तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने संकल्प लिया था कि हमारे नेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तब रावण राज खत्म हुआ था, तब सुख का राज था, तब राम राज था, तब फिर से जो दुख देने वाली सरकारें हैं उन्हें सत्ता से बाहर किया जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया तो मेरा उत्तर था सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता में परिवर्तन कर दिया, जब से हम लोग खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सपा बसपा सत्ता से आज के दिन में, एक मिनट उसको पूरा हो जाने दीजिए, तो आज के दिन में हम अब सत्ता हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो अब संकल्प भारतीय जनता पार्टी से, हम भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे हमारा जो हिस्सा बनता वो मिले, और इनको संकल्प है कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, मतलब एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाएंगे, क्योंकि द पोलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग अंडरगार्ड, और राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से साथ, मैं उन्हें संकल्प है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पोलिटिकल पार्ट इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, तो ऐसे में इन्होंने संकल्प है, हमने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, और वोटर सदियों से बेहोश है, अंग्रेजों मुगलों ने गरीबी लाचारी बेकारी इनका शिक्षा से कोसों दूर रखा, इनको सताया, तो आज के दिन में बहुत दूर है, तो कम से कम ये पॉलिटिकली हम कॉन्शियसनेस है, वहाँ वोटर के पास जाना, उन्हें होश में लाना, उन्हें जोश में लाना और उन्हें सही बात पढ़ाना है कि भाई राजनीति में क्या, राजनीति तुम्हारा भाग्य लिखेगी, तुम्हारा वोटर, द रियल गॉड इज वोटर, वोटर ही असली भगवान है जिनका साइनिंग अथॉरिटी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनता है, अपने भाग्य विधाता हो तो ऐसे जगह वोट डालो कि जिससे तुम्हारा भाग्य लिखा जाए, इस बात का संकल्प नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देके भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करेंगे। देखिए जो कार्ड डिस्चार्ज हो जाता है राजनीति में, और जिसका कार्ड डिस्चार्ज हो फिर से जनता से चार्ज नहीं करती, 2014 से उल्टी गिनती शुरू हुई, 2017 में उल्टी गिनती हो गई, 2019 में हो गई, 2019 में इकट्ठे हुए थे बड़ी पार्टियां जिनकी 30 साल से सत्ता थी, लेकिन मछुआ समुदाय मोदी जी योगी के साथ खड़ा हो गया, तो देखिए क्या ऐतिहासिक जीत मिली थी 2019 का, 2022 में भी देखिए उन लोगों ने क्या किया, और आज हम खड़े थे 37 बरस बाद दोबारा जनता ने हमारे पर विश्वास किया, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, हम
हमें जनता के उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार का, तो हमारे काम पर, हमारे उस गुड गवर्नेंस पर, हमारे इस जीरो टॉलरेंस पर, इस पर जनता ने विश्वास किया है, तो जनता हमारे साथ है, तो पार्टियां एक साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, उनका धर्म बनता है, उनका धर्म बनता है विपक्ष का, वो विपक्ष के नेता हैं, उनका दायित्व बनता है, उनका अधिकार बनता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बात हो मर्यादित हो, जो भी काम हो वो लोकतांत्रिक हो, मैं कहता हूँ उसको अपनी सरकारों के समय भी देख ले कि किस तरह। मंत्री जी, पिछली बार जो संकल्प आपने लिया था उसमें आपने खून से मांग की थी, इस बार क्या संकल्प ऐसा कुछ लेंगे जिससे आपको आरक्षण दे सरकार? उस खून, ये जो निषाद राज का खून है वो राजपाट का खून है, और उस संकल्प का देन है कि आज इनकी वकालत करने के लिए मैं आज के दिन में उस विधानसभा की अगली सीट पर विधान परिषद और विधानसभा में बुझाता हूँ। उस संकल्प की देन है कि 70 साल में हम 1961 से केवट मल्ला में मझवार गिनते थे, 70,000 थे, और 1991 में हमारी उस जाति को पिछड़ी जात में गलत से ढाल कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये मामला दिल्ली होगा। वो संकल्प दिन है कि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होगा, और ये मूर्ख बनाने वाला काम निषादों का काम हो जाए। आज के दिन में पहली बार है 70 साल में कि जो संकल्प मैंने लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे लिखा और दिल्ली भेजा, और दिल्ली दरबार उस पर काम कर रही है। तो 70 साल का मामला उलझाने में, सुलझाने में, तो अभी इस बार संकल्प है कि अपने काम को करा लीजिए और सरकार को, सरकार के साथ रहिए, और सरकार ही देगी, चाहे दिल्ली दे चाहे उत्तर, मोदी ही करेंगे, योगी ही करेंगे, इसलिए मोदी योगी के साथ रहिए, अपने वोट को इकट्ठा। ओम प्रकाश राजभर लगातार पहले आपका समर्थन करते रहे हैं और आपको मित्र बताते रहे, लेकिन अब लगातार देखा जाता है कहीं ना कहीं आप पर कटाक्ष करते हुए देखे जाते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, ओम प्रकाश राजभर भैया है, अब कभी उन्होंने हमारे खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। आप देखे हैं भैया, हमेशा उम्मीद हम यही रखते हैं कि मर्यादित रहे, और ये सुबह किसी के साथ, दोपहर को किसी के साथ, शाम को किसी के साथ बंद हो जाए। अब कोई सुबह कुछ और बोलना, दोपहर को कुछ और बोलना, शाम को कुछ और बोलना, ये बंद हो जाए। और क्योंकि जिस काम के लिए राजभर भाई पार्टी बनाए, जिस समुदाय के लिए, उसके विकास के लिए काम, आपके भैया इस समय गुमराह हो चुके हैं? अब गुमराह नहीं होते तो 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, कहाँ थे, साथ आए तो कहाँ आए, आज फिर दूर हो गए तो देख लीजिए कहाँ है। ये तो सब लोग देखते हैं और खुद महसूस करते हैं कि किसके साथ क्या थे और किसके साथ क्या थे, और जैसे ही रहे कुछ दिन नहीं रहे, बल्कि हमारे साथ तो बहुत दिन रहे, लेकिन दूसरे के साथ तो कुछ ही दिन रहे, हट गए। आरक्षण के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आप पर हमलावर रहती है, कहती है कि आपने भी अपने समाज के लोगों को बरगलाया है, क्या कहेंगे? हमारी जनता होशियार हो गई, मेरी एक सेना है, वो त्रेता वाली जो भगवान राम रावण राज खत्म करने वाली सेना है, तो हमारी सेना है वो सेना ट्रेंड सेना कैडराइट, किसी बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत है। तो मेरा संगठन सशक्त है और अनुशासित कार्यकर्ता, वो सारे अनुशासित कार्यकर्ता पूरी जनता में बता चुके हैं कि 30 साल से तुम्हारा वोट ठगा, तुम्हारा जब उत्तर प्रदेश सरकार को पावर नहीं था कि अनुसूचित जात कर सकते हैं, तो हमारे नाम को क्या पिछड़ी से निकाला, अनुसूचित डाल दिया, और लटका के बहन जी रिश्ते लेती थी, ये निकालते थे, निकाल के हमारे नोटों और नौकरियों पर डकैती डाला। उसकी देर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि कौन ज्यादा बेईमान है, कौन ज्यादा धोखा दिया है, वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आसानी से ये दोनों सपा और बसपा के पोल को खोलता है कि जब भी जाइए किसी थाने पर, जाइए किसी विभाग में जाइए, तो पता चल जाता है कि निषादों को कितना नौकरी मिली, निषादों को कितना सम्मान मिला। यही सरकारें थी हमारे समाज को पट्टा पट्टा, हमारा समाज कमाता था, सरकार को चुकाता था, आधा बचता था, आधा पेट खा के इनकी सरकार बनाता। अब हमारी सरकार इन्हें जो है फ्री में बीमा है, अनुदान दे रही है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इनको रोजगार की तरफ लाना, अब इनके बच्चों को भी आईएएस पीसीएस बनाएंगे। तो पहली बार हमने इनके लिए कोष को इकट्ठा किया, पहली बार इनके लिए कानून बनाया, तो सरकार हमारा समाज जान गया किसके साथ रहने से। यानी समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासनहीन है और कहीं ना कहीं अनुशासन उनके अंदर नहीं है। अगर अनुशासन रहता तो सबका साथ सबका विकास का नारा बसपा ने दिया, इन्होंने समाजवाद का नारा दिया, तो काहे नहीं सभी लोगों का बात हुआ, सबके बच्चे क्यों नहीं नौकरी में आ गए, सबके लोगों को क्यों नहीं अवसर दिया गया, हमारे नेता को बोलने के लिए इजाजत
लेनी पड़ती थी लोगों को सपा बसपा कांग्रेस से, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, निषाद पार्टी हमारी भाई है, इनका इनका झंडा भी रहेगा, जय निषाद राग का झंडा भी रहेगा, ये जाएंगे और अपने समाज की आवाज विधानसभा में उठाएंगे। और देखो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कहाँ चले गए, हाथी छूना बंद कर दिया, कहाँ चले गए, इनसे दोस्ती तोड़ लिया, साइकिल से कहाँ चले गए, तो ये तो नेता बीजेपी भी आपकी बात अगर नहीं मानती है, बीजेपी का साथ अगर छोड़ेंगे तो भी गर्द में जाएगी। तो मैं देखो आज मैं साथ नहीं छोड़ा था, दरवाजा बंद कर दिया था सपा ने, और दरवाजा बंद करने के नाते मैं वहाँ से आया था, और हमें उम्मीद है कि कभी भाजपा हमारा दरवाजा नहीं बंद करेगी, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव में लगी विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी में कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण बच्चों ने प्रदर्शनी में लगाई है। यह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी है, यह देखने में तो सिंपल चीज है लेकिन इसके कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं। यह प्रदर्शनी बच्चों के अंदर यह प्रेरणा देता है कि हम अच्छे से अच्छा और चीजें कर सकते हैं, और हम जब इन एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इन बच्चों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी में भाग लेने से और इस तरह की चीजों को करने से बच्चों को और ज्ञान मिलता है, इससे बच्चों को यह जानकारी भी होती है कि हम इससे अच्छा और आगे क्या बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान प्रदर्शनी में जितने उपकरण लगाए हैं उन सबको मैंने देखा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और काफी अच्छा प्रदर्शनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, जा चुके हैं तालियों के साथ अभिनंदन, जोरदार तालियां हमारे मंच, जोरदार तालियां मंच के पास, जो है वो मंच के पास आ जाए। पटल्स देखते हुए माननीय कुलपति महोदय यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। सना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति स्वागत गीत प्रस्तुत करें संपदा मिश्रा जी कौड़ी राम से, तालियों के साथ अभिनंदन एक बार पुनः। आदिनी भर दे वर दे विवर हमारे बीच आ चुके हैं, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मॉडल्स का विश्लेषण करते हुए साथियों हमारे समझदार डॉक्टर लाइन है एडी यूनिवर्सल एकेडमी माधोपुर डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पिलर्स से ऑटोमेटिक स्वाइन मॉस्टर सेंसर अनमोल मौर्य टीम सेंट जेवियर से एक्सीडेंट मीथेन सर, केवल प्योर मीथेन होती है, तो ये थोड़ा सी एच फोर नहीं है। एक बार शिकागो में बोले तो आज तक उनकी बात गूंज रही है, तो आपकी तालियां इतनी तो होनी चाहिए कि बाहर तक गूंजे, जोरदार तालियां। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय कुलपति महोदय मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बारीकी से विज्ञान के मॉडलों का निरीक्षण करते हुए। साथियों आपको बता दें कि मदन मोहन जिस तरह से आप लोग युवाओं को वोट देकर वहाँ के लोगों के कल्याण के बारे में अनवरत रूप से प्रयासरत है, आपको बता दें कि गोराबाड़ क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गाँव रघुवंशा आपके श्रीमती जी के द्वारा गोद लिया गया है, और वहाँ पर कई सारे हमारे विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने आपका भी विशेष अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच डायरेक्टर विनोद सर, जो आपको हार्दिक अभिनंदन है सर, आपकी उपस्थिति और आपके संस्था के अभी
जो भी है आगे बढ़ते हुए हमारे इस विज्ञान मेले में बहुत सी गतिविधियाँ होटल तैयार है। हम सभी के लिए बहुत विशेष अवसर है हमारे जोशी कुलपति पांडे सर हमारे बीच जिस तारीख से आप देख रहे हैं आपके आने के लिए आप सभी लालायित है। माननीय कुलपति महोदय के मंच पर आते ही सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनी के चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का विधिवत किया जाएंगे और बीच बीच में टैलेंट्स को भी स्मरण से किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है क्या कैसा रहा? बहुत अच्छा है ये जितने अच्छे दिखे इनोवेटिव चीजें एक बच्चे सरफेस टेंशन पर बनाई है वो बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन सिंपल में उसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है तो ये बनाता है बच्चों को बच्चों के अंदर एक प्रेरणा देता है कि हम स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं और हम जब पढ़ेंगे जब आगे बढ़ाएंगे एप्लीकेशन तो इसमें इन बच्चों को बड़ी मदद मिलेगी। इस तरह की सर प्रदर्शन से बच्चों को कितना उत्साहवर्धन होगा और बढ़ावा मिलेगा? ज्ञान बढ़ता है बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ता है और आगे कौन सा और नई चीज बना सकते हैं ये इनको पता रहता है और एक दूसरे के प्रोजेक्ट को देखेंगे जो प्रदर्शनी में लगाए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के छठवें दिन 10 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 12 सीट में नामांकन किया। आपको बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन में 10 प्रत्याशियों ने 12 सीट में नामांकन किया है। अभी तक 21 प्रत्याशियों ने 27 सीट में नामांकन किया है जिसका गुरुवार को अंतिम दिन है। 13 जनवरी को पर्चों की जाँच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापसी होगा और 30 जनवरी को मतदान होगा व 2 फरवरी को मतगणना होगी। पूरा नामांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हो रहा है और सुरक्षा को देखते हुए कमिश्नरेट गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे कि किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। दिखाई दे पीछे हुआ तू आगे देखा है ना पूरा बना हो जाए राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान बाबूलाल निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी अमरूद मंजी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा रजत त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी निवासी हाशीपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिनके पास से 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब
1.150 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल अर्जुन शर्मा, पप्पू गौतम, दीपक कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में शराब, अवैध शराब की निष्कर्षण एवं उनकी सप्लाई पर रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अनुक्रम में आज थाना राजघाट द्वारा 240 लीटर मिश्रित शराब, 1.5 किलोग्राम नौसादर और 200 ग्राम यूरिया के साथ दो अभियुक्तों जिनके नाम बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनको 272 आईपीसी एवं 60 ऑफ आबकारी अधिनियम में इनको जेल भेजा जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्र ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा ने यंग रन इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश भर में यंग इंडिया रन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर भारत वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इस कार्यक्रम में कुल 200 प्रतिभागी होंगे जिनको पुरस्कृत किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 11,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 5,100, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के द्वारा किया जाएगा, जो कि सुबह 8:30 हरिओम नगर चौराहे से छात्र संघ चौराहे स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर समाप्त होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने कहा, देखिए कल दिनांक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर द्वारा आयोजित यंग इंडिया रन का कार्यक्रम प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें हरिओम नगर चौराहे से प्रारंभ होगा और छात्र संघ चौराहे पे समाप्त होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन विजेता, जो पहले पहुंचेगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे, उसको विशेष पुरस्कार के तहत उसको मतलब हम लोग सम्मानित करने वाले हैं। वहाँ पर हमारे कार्यक्रम में गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर के रवि किशन जी और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फर्स्ट जो आएगा हम लोग उसको 11,000 पुरस्कार दे के सम्मानित कर रहे हैं और सेकेंड आएगा उसको 5100 रुपये दे के सम्मानित कर रहे हैं और थर्ड जो आएगा उसको 2100 रुपये देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। वंदन समिति की महिला शाखा राष्ट्रीय वंदन मात्र परिषद के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर दाऊदपुर स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति सम्मान एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा कम्बल वितरण किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि आज का युवा नशे जैसी भयानक महामारी के प्रभाव में आकर अपना और अपने परिवार एवं देश, समाज सभी का नुकसान कर रहा है। युवाओं को ऐसे बुरे व्यसनों से बाहर निकलकर आगे आने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी संस्थाएं उनकी मदद करती हैं और उनको पुनर्स्थापित करने में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अगर युवा भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म और विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों को अपना आदर्श बनाकर चले तो वह निश्चित तौर से पूरे समाज व देश के लिए हितकारी होगा। आज का युवा ही स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बना सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदन समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय खेमका, राजस्थान युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पांडे, राष्ट्र निर्माण शक्ति परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष माया गुप्ता, प्रभारी रागनी श्रीवास्तव, महामंत्री रीता शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा परिषद अमित पांडे, मनोज गौर, उपासना श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, मुकेश दुआ, दीपक मौर्य, प्रवीण श्रीवास्तव, अनुराग खेमका, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नशा मुक्ति केंद्र की डायरेक्टर पूनम सिंह एवं राष्ट्रीय वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा,
सुधा जी को आगे कर दी और सुनीता जी आगे गई और वो माया भाभी और पूनम जो हो गए भारत माता की भारत माता की। आज इस कार्यक्रम का विषय है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने भारत के सनातन धर्म भारत की सनातन संस्कृति और भारत की जो आध्यात्म ऊर्जा है उसको पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया उनका कल जन्म दिवस है और उसी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र वंदन समिति के मातृशक्ति परिषद द्वारा आज हम सब आपके मध्य उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिन माननीय अतिथियों का हम सबके भाई अभी तो उन्होंने मेरे पर बहुत बड़े कुछ ऐसे एहसान किए मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूल सकता ऐसे ही दुर्गेश सिंह चंचल जी। साथ ही मैं इस राष्ट्रमंडल समिति की प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे पास दायित्व है मैं इसका निर्वहन करता हूँ। इधर अनुभूति और जो विश्वास के साथ वो बातों को रख रहे थे शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे मेरी बातें उस तरह से नहीं निकल पाएंगी। ऐसे पूनम जी ने इतना बड़ा ये सेटअप कैसे खड़ा किया और किस तरह से सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो चीज प्राप्त की अगर उसका थोड़ा सा मात्र हम सब अपने अंदर डालते हैं अपने अंदर देते हैं ग्रहण करते हैं तो हम सब भारत को जो हमारा एक सोच है एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहाँ पे प्रदेश प्रभारी रागिनी दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपने वाणी का माला पहना के सम्मान करें। पूनम सिंह यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र में स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व संध्या पर यहाँ जो नशे से पीड़ित लोग हैं इनको कंबल वितरण के प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र समाज में जो लोग नशे से ग्रसित होकर अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको सही दिशा में लाने का काम किया जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है उनको हम अपने सेंटर में एडमिट करके उनको योगा मेडिटेशन और काउंसलिंग के माध्यम से उनके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं और उनको नशे से दूर होकर समाज में जाकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो हम व्यक्ति को सेंटर में बंद करते हैं यहाँ आकर जब वो बंद होते हैं तो उनका नशा जो भी वो नशा कर रहे होते हैं उसको संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है मतलब उनको कुछ भी नहीं मिलता है। शुरुआत में उनको थोड़ी समस्याएं आती हैं उनको नींद नहीं आती है बेचैनी होती है घबराहट होती है तो उस सिचुएशन में हम उनको मेडिसिन के द्वारा उनके सिम्टम को कंट्रोल करते हैं उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करते हुए उनको हम सामान्य जीवन में लाते हैं। जब वो 10 से 15 दिनों में सामान्य होने लगते हैं तब उनको सवेरे उठ के योगा करना होता है मेडिटेशन होती है काउंसलिंग होती है उनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है उनसे बातचीत करके उनको समझा जाता है कि उन्हें क्या दिक्कत थी किस तरह की समस्या उनके साथ हो रही है उसका समाधान किया जाता है और 6 महीने का एक समय होता है। उस 6 महीने के ड्यूरेशन में उनको जब वो नशा नहीं मिलता है तो उसकी क्रेविंग ख़त्म होती है उसकी जो आदत होती है करने की वो धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद फिर वो मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार होते हैं बाहर जाकर अच्छे से नशा मुक्त जीवन जीने के लिए। नशा करने वाले व्यक्ति जो भी हमारे सेंटर नशा मुक्ति केंद्र के बोर्ड और ये पैम्पलेट्स वगैरह सब जगह लगे हुए हैं लोग उसको पढ़ के हमसे संपर्क करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं जो व्यक्ति हमारे यहाँ से ठीक होके गया होता है उससे वो पूरा उस एरिया के सारे लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत नशा करता था सुधर गया तो उसको देख के उसको जान के लोग हमसे संपर्क करते हैं फिर अपने व्यक्ति को अपने बच्चे को हमारे पास ले आते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उन भटके युवाओं को एक रास्ता दिखाने के लिए एक उनका मार्ग और उनको ये बताने के लिए कि समाज उनके साथ है वो हतोत्साहित ना हो और इस महामारी जो ये युवाओं के बीच में नशा के रूप में आ गई है इससे बाहर निकलें और देश समाज का काम करें इसी प्रेरणा को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के डायरेक्टर को आज हम लोगों ने युवा सम्मान से सम्मानित किया है और साथ में इन युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि
अब समाज में उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको स्वयं आगे आने की आवश्यकता है, और ये जो उनके दिमाग में व्यसन और ये सब चीज़ें आ गई हैं इसको दूर करके राष्ट्र हित और देश हित में वो काम करें, इसी मन से वो यहाँ से आगे बढ़ कर के बाहर निकलें। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन या नशा में है उसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक अपना जीवन नहीं बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार, समाज, यहां तक कि उनके आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सब कुछ करो भैया, नशा मत करो। नशा का कोई भी शुरुआत एक कदम से होती है और वो समाप्ति उस पूरे घर की बर्बादी से होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के दुनिया से दूर रहें और देश समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर जीके गुप्ता व भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी के परिजनों को सीएम योगी ने दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, दुख व संकट में साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, महोत्सव में लोकल कलाकारों को मिला है मौका, लगे हैं विभिन्न तरह के स्टॉल। जनपद के नागरिकों से महोत्सव में आने की अपील। गोरखपुर महोत्सव 2023 में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का तेजी से हुआ है विकास। प्रदेश में विदेश से भी हो रहा है निवेश। गोरखपुर से अन्य प्रदेशों के लिए हो रही है सीधी उड़ान। बदली है उत्तर प्रदेश की छवि। फर्जी एसडीएम बनकर जनता से ठगी करने वाले अपने दो साथियों के साथ 3 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। कूटरजी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों श्याम देई, राम सजीवन और अमित कुमार गुप्ता को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कूटरजी दस्तावेज किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए था प्रत्याशी। भाजपा के द्वारा वर्तमान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने प्रत्याशिता को ले रहा हूं वापस। वर्तमान प्रत्याशी का करूंगा जोरदार समर्थन। अक्टूबर को ग्राम जांगीपाल में हुई युवक की हत्या में शामिल 15,000 के इनामी अभियुक्त अमरनाथ निषाद को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर उनके घर पर पहुंचकर की मुलाकात। भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ एमएलसी बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता को लिया है वापस। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिला है अवसर। भारत शिक्षा में ही नहीं विज्ञान में भी बढ़ रहा है आगे। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस एवं 10वें संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को किया जाएगा भव्य रैली का आयोजन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों का बढ़ता है ज्ञान, उनको आगे अच्छा करने की मिलती है प्रेरणा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 6वें दिन 10 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 12 सच में किया नामांकन। अभी तक 21 प्रत्याशियों ने 27 सच में किया है नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चे की जांच, 16 जनवरी को होगा नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को मतगणना। अवैध
कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्तों बाबूलाल निषाद एवं रजत त्रिपाठी को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 240 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 किलोग्राम नौसादर व 200 ग्राम यूरिया को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगद धनराशि से किया जाएगा सम्मानित। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन मातृ परिषद ने नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रही पूनम सिंह को गोरखपुर ज्योति एवं कर्म योद्धा युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा कर्मयोगी सम्मान से किया सम्मानित। कहा, युवाओं को नशे जैसी बुरी व्यसनों से बाहर निकलकर समाज में आगे आने की है आवश्यकता। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।